गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर हूँ शिवानी काटल। मैंने आपको लेक्चर पढ़ाना, टीच करवाना है CSA। CSA का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें आपकी यूनिट्स आएंगी, 4 यूनिट्स आएंगी। मैं आपको 4th यूनिट से स्टार्ट करवाऊँगी, जिसमें हम पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर होता है क्या और CSA का क्या वर्किंग है कंप्यूटर में, ठीक है। मैं पहले आपको ना इसका ओवरव्यू बता देती हूँ कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, मैं बताती हूँ कि आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर क्यों ज़रूरत पड़ी कंप्यूटर में, कि जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई उसका पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं, किसी आर्किटेक्चर से हम उसका डिज़ाइन बनवाते हैं, फिर हम उस पर बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में किसी डेवलपर ने, जिसने कंप्यूटर डिज़ाइन किया, उन्होंने डिज़ाइन बनाया होगा, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर तैयार किया होगा, उसके बाद वो कंप्यूटर का मॉडल बना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें देखेंगे कि CSA में यूज़ क्या क्या होता है। पहले यूज़ होती है बस, यूज़ होती है बस का क्या काम होता है। जैसे हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि बस का काम होता है ट्रैवल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वैसे ही ये हम कंप्यूटर में देखें कि डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कैसे होता है थ्रू बस। तो डेटा, जैसे आपने कोई भी वर्ड पे फाइल बनाई है, कुछ भी लिखा है, तो जब आपने उसको सेव नहीं किया तो वो टेम्परेरी मेमोरी में सेव होगी। जैसे आप उसको सेव कर देंगे तो वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगी। उसने डेटा को ट्रैवल करवाया, वो कैसे, थ्रू अब बस के थ्रू डेटा ने ट्रैवल किया, ठीक है। और इसमें हम यूज़ करते हैं एड्रेसेस। एड्रेसेस का क्या काम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करना। जैसे आप इसकी एग्जांपल लो कि लाइब्रेरी में अगर आपने बुक रखी है, तो बुक को पहले आप एड्रेस करते हो ना कि आपने कौन सी अलमीरा में बुक रखी है। वैसे ही कंप्यूटर में आपने जिस भी फाइल का नाम सेव किया, तो वो आपने उसको फाइल का नाम दिया, प्रॉपर एक्सटेंशन दिया, आप उसको देखते हो, फिर बाद में फर्दर फ्यूचर में जब भी आपने उसको ओपन करना होता है, देखना होता है, तो आप जिस भी नाम से सेव किया वो आप फ्यूचर में उसको देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे, आपका फर्स्ट है टॉपिक है इंट्रोडक्शन। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड CPU, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। फर्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ये कंप्यूटर बना किससे है। कंप्यूटर ये वर्ड है जो यू कंप्यूट से है, विच मीन टू कैलकुलेट। जैसे कोई भी कैलकुलेट करते हो कुछ भी, वो कंप्यूटर को बनाया ये कैलकुलेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें आप कोई बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। कि कंप्यूटर में आप कुछ भी वर्क कर सकते हो, कोई भी वर्क कर सकते हो, बट एक बात समझो कि कंप्यूटर को समझ सिर्फ बाइनरी फॉर्म आती है, दैट इज़ 0 और 1। अगर हमने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है, तो कंप्यूटर उसको पहले बाइनरी, जो उसके CPU है, वो उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में। तो वो कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म को समझ के वो फिर से कन्वर्ट करके हमें हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हमें बता देगा, ठीक है। और इसमें डेटा प्रोसेस होता है, आप स्टोर कर सकते हो डेटा को कभी भी, जब फ्यूचर में जब भी अभी आपके लेक्चर हैं तो आप उसको स्टोर करके रख रहे हो अपने कंप्यूटर में, कभी भी फ्यूचर में देखने के लिए, ठीक है। सेकंड है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये ना ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हम पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो होती है इनपुट। हमने इनपुट दी कंप्यूटर को कि हमें, जैसे आपने प्रिंटर को, प्रिंटर पर कुछ भी फॉर्म प्रिंट करने के लिए बोला, वो आपने इनपुट दी और प्रिंटर ने हमें वो फॉर्म हार्ड कॉपी निकाल के दे दी, वो होगी आउटपुट। और कंप्यूटर में यूज़ होती है, एक होती है इनपुट, सेकंड होती है मेमोरी, दैट इज़ स्टोरेज। मेमोरी की ज़रूरत तो पड़ती है ना किसी भी चीज़ को स्टोर करवाने के लिए, किसी भी, जैसे आपने कोई भी काम किया उसको परमानेंट रखने के लिए, उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मेमोरी होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है और एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी में अगर आपने कोई भी काम किया, अगर आपने उसको सेव नहीं किया, तो वो टेम्परेरी में सेव रहेगी। जैसे आपकी PC बंद करके फिर से आप ओपन करोगे, अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो वो आपको नहीं मिलेगी। जब आप उसको सेव कर दोगे तो वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। थर्ड है हमारा CPU। जो CPU होता है ना, वो ब्रेन है कंप्यूटर का। CPU के बिना कंप्यूटर एक खाली डब्बा है। विदाउट CPU हम कंप्यूटर पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। और CPU में हमारे आते हैं
दो आते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमें कंट्रोल करने के लिए किसी, ऐसे तो अगर हमने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो उसको पता नहीं है ना कब तक हमने वो चीज़ चलानी है कब तक नहीं चलानी, हमने उसको कंट्रोल दिया ना। जैसे आप प्रिंट निकालते हो तो आप बोलते हो ना कि हमें वन पेज का प्रिंट निकालना है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल, कि आपने उनको कंट्रोल दे दिया कंप्यूटर को कि आपको एक पेज निकालना, वो हमें प्रिंट करके एक पेज निकाल के दे देगा। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करोगे, अगर आप उसको कंट्रोल बोलोगे लिखोगे नहीं कि हमें वन पेज प्रिंट करना है जब कितने पेज प्रिंट करने हैं, तो वो मल्टीपल टास्क करता रहेगा, वो कितने सारे पेज हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। और अरिथमेटिक में जो आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारे काम होते हैं वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से होते हैं, ठीक है। ये इतना है, ये आपको दिया हुआ है, इसको आप रीड करो प्रॉपर वे से और देखो इसमें क्या, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, ठीक है। और जो आउटपुट है, आउटपुट का काम होता है कि आपको कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दे दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।